जी अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन का, और एक्सक्रीशन के इस टॉपिक में हम बेसिकली, ये हमारे उस होम्योस्टेसिस के चैप्टर का दूसरा एस्पेक्ट है जो हमने कंट्रोल करना है, जिसको हमने डिटेल से पढ़ना है। आपको याद होगा, मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको। तो हमारा टॉपिक था होम्योस्टेसिस, जो होम्योस्टेसिस था ये बेटे मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ों पर डील कर रहा होता है। एक वाटर, दूसरा जो था वो डील करता है टेम्परेचर को, टेम्परेचर और तीसरा एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होगा इसको टिकाने लगाने का सीन होगा यहाँ टेम्परेचर का, और फिर क्या होगा लास्ट में, यानी एक तरह से वाटर का। हमने वाटर को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है, जिसमें आपने पढ़ा था बेटे आस्मो कन्फर्मर, आस्मो रेगुलेटर्स कौन से होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन होता है, उन एनिमल्स ने क्या अडॉप्टेशंस अपने अंदर की हुई हैं। आज बेटे हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन जो है ये एक बहुत ही अहम रेगुलेशन है, बिकॉज़ के इसके अंदर अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो वेस्ट कलेक्ट होता है वो सम टाइम पॉइजनस हो जाता है, और वो जो पॉइजनस होता है तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो इसको ठिकाने लगाना और एक्यूरेट तरीके से ठिकाने लगाना हमारी बॉडी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। नॉट ओनली आवर बॉडी, बट इंस्टेड हम कह सकते हैं कि विद इन द जो अर्थ ग्लोब है, जो इस एटमॉस्फेरिक रीजन के अंदर आने वाली सारी मखलूक है, उन सारों के अंदर ये वेस्ट मटेरियल्स को टिकाने लगाने का सेटअप बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखें ज़रा एक्सक्रीशन वाले उसमें, तो मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ द टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स। पहली लाइन ही उसने यही लिखी है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, द ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ योर फूड स्टफ, तो वो बाई प्रोडक्ट्स में विलिंगली तो हमारे लिए उसने एनर्जी ही प्रोड्यूस करनी है, राइट? बट अनविलिंगली सम सॉर्ट ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, दैट आर द टॉक्सिक इन नेचर टू अस, पार्टिकुलरली द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी पॉइजनस होते हैं या टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द एक्सक्रीशन, एंड एक्सक्रीशन इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस विद इन द सेल्स। सेल के अंदर प्रोसेस हुआ कौन सा हुआ भाई, इंगल्फ करने का, बॉडी पार्टिकल्स को इनटेक करने का। अब वो उसने सॉरी फूड पार्टिकल्स को इनटेक किया, ब्रेक डाउन हुई, ब्रेक डाउन होने के बाद जो है उसमें से कुछ बाई प्रोडक्ट्स बने जो कि वेस्ट वाले थे। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है बेटा आप जब रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ द केमिकल वेस्ट, ये केमिकल वेस्ट की रिमूवल ही एक्चुअली आपके पास क्या है, एक्सक्रीशन है। उम्मीद है बेटा आपको ये एक्सक्रीशन का बेसिक थीम समझ आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है ये कि रिलेशनशिप बिटवीन द, अब उसमें कौन कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट हो सकते हैं, उसने कुछ ये लिखे हुए हैं बेटे। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो यूरिया और यूरिक एसिड हैं ये थोड़े लेस यानी कि टॉक्सिक हैं या लेस हार्मफुल हैं, जबकि आपके पास जो अमोनिया है, और जो अमोनिया है ये काफ़ी हाईली टॉक्सिक होता है। दूसरे नंबर पे आपके पास यूरिक एसिड हाईली टॉक्सिक है, और लास्ट पे यूरिया। यानी आप कहें कि इनकी जो सिवियरिटी इफ़ेक्ट है, एक तरह से सिवियरिटी जो इफ़ेक्ट है बेसिकली, वो क्या होता है, वो एक ग्रेजुअल वे में चेंज होता है। अब इनके बिहाइंड भी अगेन से वाटर की रेगुलेशन भी छुपी हुई है बेटे। सिंपल सी बात है कि अगर आप वन ड्रॉप ऑफ पॉइजन आप किसी एक ग्लास में ले लेते हैं या 1000 ml के अंदर ले लेते हैं, तो इट वुड बी लेस टॉक्सिक एज कम्पेयर टू दैट ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉप अ सिंगल ड्रॉप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन टू अ ग्लास ऑफ वाटर।
लाजमी सी बात है बच्चे, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स होंगे जिन जो पानी में रहते हैं, लाइक मैं कहूँ फिशेस की बात की जाए, हर टाइम पानी ही पानी अवेलेबल है उनको। कुछ एनिमल्स होंगे जो हम जैसे होंगे, जो ड्यूअल एनवायरनमेंट के अंदर या कहीं ना कहीं उनको वाटर की ज़रूरत होती है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो प्योरली डेजर्टी प्लेस पे रह रहे हैं जहाँ पे पानी की तो बहुत शॉर्टेज है। तो इस तरह उनके अंदर जो एक्सक्रीटा है या एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है बाकायदा तौर पर, उसके अंदर भी वेरिएशन हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास यानी कि हाईली पॉइजनस है वो अमोनिया है। जब अमोनिया आपका हाईली पॉइजनस है तो इसके लिए आपको रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए। दूसरी साइड पे आपके पास है यूरिक एसिड है। फिर लास्ट में आ जाता है यूरिया। मुझे थोड़ी सी करेक्शन जो है वो करनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट जो मुझे लगता है ना, वो आपका जो है सबसे ज़्यादा जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है वो अमोनिया, ये तो कन्फर्म है। यूरिया और यूरिक एसिड को हम देख लेते हैं। द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय मेनली द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखा ना, अब उसने वही बात कर दी है कि किसको कितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, इसके हिसाब से ही ये चीज़ का फैसला होगा कि उसने क्या एक्सक्रीट करना है या नेचर ने उसको किस तरह सपोर्ट करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम को। अच्छा, अब वो कहता है कि बेस्ड ऑन द इन इट्स हैबिटेट की, अब कोरिलेशन विद इट्स हैबिटेट क्या है, अमोनिया वाले किस में रह रहे हैं जी, एक्वाटिक हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िशेज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है। तो लाजमी सी बात है फ़िश जो है बेटा, उसका मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऐसा होगा या ऐसा एक्सक्रीटा होगा जो ज़्यादा टॉक्सिक हो और पानी की ज़्यादा रिमूवल ईजीली हो सके, यानी पानी के साथ उसकी। दूसरे नंबर पे यूरिया आ जाता है जो कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब जो बोथ उसके कंडीशन में होते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये थोड़ा सा लेस टॉक्सिक है। फिर इसी तरह यूरिक एसिड जो है ना, ये बिल्कुल लीस्ट टॉक्सिक है। तो ये प्योरली टेरेस्ट्रियल के लिए होता है, जो आप कहें कि डेजर्टी प्लेस पे रहते हैं। तो पहले अमोनिया हुआ, फिर यूरिया हुआ और फिर यूरिक एसिड। सो वी आर द एक्चुअली वन एक्सक्रीटिंग द यूरिया इन आवर एक्सक्रीट, आप कह सकते हैं। अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक बिकॉज इट टेंड्स टू रेज द pH level of the body fluid and interferes with the membrane transport functions. अब अमोनिया बेटा क्या चीज़ है, ये हाईली टॉक्सिक है और उसकी रीज़न वो बता रहा है क्योंकि ये क्या करती है भाई, टेंड्स टू रेज द pH ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की pH को बढ़ा देगी। कौन, अमोनिया। अच्छा, और फिर क्या करेगा कि ये विद द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फंक्शन जो है उसको भी, मेम्ब्रेन से जो सेल मेम्ब्रेन है उससे जो आर यानी आउटसाइड और इनसाइड ट्रांसपोर्ट हो रही है उस पर डील कर रही होती है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन द वाटर एंड डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ देयर फॉर एक्सक्रीटेड रैपिडली। 1 gram ऑफ द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 ml ऑफ द वाटर टू डिजॉल्व इट इन टू द नॉन टॉक्सिक लेवल। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको भी ये सम अप करके सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। सच ए प्लेंटी ऑफ वाटर कैन ओनली बी अफोर्ड बाय द मैनी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। और यही वजह है कि एनिमल्स दैट एक्सक्रीट द अमोनिया इन देयर मेजर नाइट्रोजन प्रोडक्ट आर कॉल्ड द अमोनोटीलिक। क्या ये बता रहा है बच्चे, मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन जो है ये पॉइजनस होता है। पॉइजनस होने के बाद जो एक्सक्रीशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पे होता है। ये बात समझ आ रही है ना? Yes, sir. अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिनको वाटर अवेलेबल ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, अमोनिया करेंगे सेक्रेट। और मैं कहूँ कि सारे जो आपके पास अमोनिया है ये हाई वाटर की अवेलेबिलिटी वाले, हाई वाटर कंटेंट वाले ये करेंगे सेक्रेट। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है ना अमोनिया सेक्रीट करने वाले, ये सबसे पहले एक मिनट, उसकी रीज़न ये है कि ये पीएच का लेवल एक तो बढ़ा सकते हैं, पीएच जो है ना लेवल को चेंज कर देंगे, यानी ये इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे बेटे, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन NH3 है ये नॉन मेटल है। मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री भी इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हमेशा रह जाए, नॉन मेटल है। तो
तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। तो ऑक्साइड भी इनके एसिडिक होते हैं और इनके हाइड्राइड भी थोड़े बहुत एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इसलिए चूंकि नॉन मेटल है तो ये थोड़ा बहुत जो भी आई मीन टू से कि इसका जो सेटअप होगा तो उसको हम कहेंगे कि ओवरऑल ये जो है पीएच की इंक्रीज होने का बायस बनते हैं। जी बच्चे मैं कर देता हूँ, ये आप इसको पॉइंट्स को लिख लेना, फिर मैं आपको नीचे पॉइंट्स और भी लिख देता हूँ। सर मैंने एक्सक्रीशन की हेडिंग दी है, वहाँ पे पॉइजनस है, मेरे जी बच्चे सर इसको थोड़ा ऊपर से मैंने एक्सक्रीशन की हेडिंग दी है, पॉइजनस सिर्फ लिखा है। अच्छा मैं करता हूँ एक मिनट यार। यहाँ से बच्चे ये हाई वाटर कंटेंट, अब इसमें पहला क्या मसला आता है, नाइट्रोजन उसके लिए अमोनिया चाहिए ना हमें हाई वाटर कंटेंट को रिलीज़ करने के लिए। और उसके लिए अभी हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑफ NH3 यानी अमोनिया के 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए आपको 500 ml वाटर चाहिए, और उससे क्या होगा कि ये फिर नॉन टॉक्सिक तब जाके बनेगा, अदरवाइज़ ये टॉक्सिसिटी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है अच्छा अब वो उसकी रीज़न बता रहा है कि अमोनिया जो है वो क्यों ज़्यादा हार्मफुल है, उसकी हार्मनेस जो है वो उसने बताई हुई है या इफ़ेक्ट्स आप कहें वो उसने बताए हुए हैं कि अमोनिया जो है ये डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा अच्छा मैं कर देता हूँ। अच्छा पहले आप लिख लो ना, नोट डाउन कर लो, मैं फिर आपके बाद में करता हूँ। अभी ठीक है यहाँ तक या आगे शिफ्ट करना है कहीं? जी आगे मूव करूं। अच्छा एक तो ये है कि ये ब्लड के अंदर जो है ना डिफ्यूज़ हो जाती है, तो दूसरा क्या है जी, ये डिफ्यूज़ जब ब्लड के अंदर होती है तो फिर सेल मेम्ब्रेन से, एक मिनट ठहरें यार ये क्यों शिफ्ट हो गया, ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं ना सेल्स की, उनसे जो ट्रांसपोर्ट है उसको ओपन कर देती है, और उससे फिर ऑटोमेटिकली सेल के पार्ट्स पर भी इफ़ेक्ट जाता है। अच्छा इसके अलावा क्या कर सकती है ये बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हो गई, एसिडिटी को इंक्रीज़ कर दिया, पीएच को कम कर दिया,
ट्रांसपोर्ट को जाके इफेक्ट कर दिया। जब इतने सारे मसले होंगे तो यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वाटर या प्लेंटी ऑफ वाटर जो है इसकी रिमूवल के लिए चाहिए। नीडेड फॉर रिमूवल। अब जब बहुत सारा पानी इसको रिमूव करने के लिए चाहिए है तो वो अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसे एनिमल्स हैं लिविंग इन वाटर लेक्स के अंदर कहीं पानी के उधर इधर, तो कहने का पर्पज़ क्या है बेटे कि जो वाटर की एक्सेस में है ना, ये उन लोगों का या उन एनिमल्स का ये काम हो सकता है कि वो इजीली इन चीज़ों को टैकल कर सकें, इन इश्यूज़ को। बात समझ आई? हाँ, लेक्स या एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर जो हैं वो इस यानी कि इशू को डील कर सकते हैं। बात समझ आ गई? ओके, इसके बाद बेटा ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाता है और वो कह रहा है एक चीज़ जो और मज़ीद, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं बेटे, इनको हम नाम देते हैं अमीनोटेलिक, ठीक है। ये आपने ऊपर वाले सारे जितनी भी डिटेल थी वो हमने अमीनोटेलिक्स या अमीनोटेलिक्स जो अमोनिया जो है वो सिक्रीट करते हैं उनके लिए हमने ये टर्म यूज़ की है। इसके बाद हम ज़रा आगे डिटेल की तरफ चलते हैं जिसमें यूरिया के बारे में बात लिखी हुई है। तो ऑर्गेनिजम्स विद द लेस फ्रेश वाटर अवेलेबल सच एज सम ऑफ द मैरीन ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स रिमूव देयर मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, कि भाई ज़्यादातर आपके फ्रेश वाटर वाले लेस जब हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म विद द लेस फ्रेश वाटर अवेलेबल, जिनको कम होता है फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी या जिसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी वाटर की अवेलेबिलिटी जितनी कम होती जाएगी ना, फ्रेश वाटर में क्या है मैक्सिमम वाटर अवेलेबल होता है, जबकि मेरीन वाटर में क्या है, वहाँ पे बेटे ड्रिंकेबल पर्पसेस के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे आप यानी कि उसको प्रॉपर वाटर नहीं कह पाते हो, वो तो एक साल्टेड वाटर होता है जो ऑलरेडी सॉल्यूट्स कंटेन कर रहा होता है, तो इसलिए उसको फ्रेश वाटर हम जब नहीं कंसिडर कर पा रहे हैं तो ऑफकोर्स दैट वाटर कुड कंटेन अ लॉट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर गोइंग टू इंक्रीज द ओवरऑल कंसनट्रेशन विद इन द बॉडी ऑफ द एनिमल। तो बेटे ऑलरेडी ही यूरिया पड़ा हुआ है, आप जब इनटेक करते हैं तो और भी आप साल्ट जो है वो इनटेक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से साल्ट जो हैं या ओवरऑल जो आपके पास सॉल्यूशन है विद इन द बॉडी जो है वो बेटे एक हाइपरटोनिक कंडीशन में चला जाएगा। तो आपने तो उल्टा यूरिया भी रिमूव करना है ना, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। तो उसने ओवरऑल लॉजिक दी है आपको किस बात की, ये बता रहे हैं आपको कि ऑर्गेनिजम्स विद द लेस फ्रेश वाटर अवेलेबल, जिनको लेस फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, जैसे कि कुछ मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। अब नाइट्रोजन को जो कि यूरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, आपको अगर पता हो ना तो यूरिया का बेटे फार्मूला जो है वो कौन सा है, वो इस तरह से होता है NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड NH2, तो ये भी नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है और ये सारे को हम क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ यूरिया, 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ द यूरिया जो होगी बेटा वो आप अगर रिमूव करना चाहते हैं अपनी बॉडी से तो यू नीड 50 ml वाटर इंस्टेड ऑफ 500 ml दैट वाज नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया। बात समझ आई? यानी उससे 10 times लेस हो गया। बात समझ आ गई है बेटा? ओके, अब 50 ml वाटर चाहिए टू डाइल्यूट द नॉन टॉक्सिक लेवल। एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक, ये भी याद रह जाएगा, यानी कि जो यूरिया सेक्रीट करते हैं वो यूरियोटेलिक हो जाते हैं। द लास्ट वन इज़ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इज़ अ प्यूरीन, प्यूरीन का मतलब क्या होता है बेटे, जो डबल पेयर्स के साथ नाइट्रोजिनस बेस होती है, यानी मैं कहूँ कि यूरिया का स्ट्रक्चर तो आपने ये देख लिया ना, ये वाला, ठीक है, इसके अलावा आपने बेटा देखा है किस चीज़ का,
आपने यूरिया के अलावा अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था अमोनिया का NH3 वाला, अभी जो वो बात कर रहा है ये ना अमोनिया का स्ट्रक्चर है ना यूरिया का, और ये बता रहा है कि ये प्यूरीन्स होती हैं। प्यूरीन्स बेसिकली बेटे डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरह से होता है कि आपके जो बॉडी है यानी उसके अंदर जो है ओवरऑल एक 5-मेंबर रिंग होना चाहिए। ये दोनों नाइट्रोजनस बेस हैं, ये पेयर की फॉर्म में होती हैं रिंग। इधर 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर इन्हीं की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, ये 5। अच्छा इसका 6 मैंने बना दी, इसको यहाँ सीधा होता है ये इस तरह से, मतलब एक साइड 5-मेंबर रिंग होता है, दूसरा 6-मेंबर रिंग होता है। तो ये इनकी जो यानी कि एक तरह से वो है मेकअप जो है आप कह सकते हैं, वो थोड़ा सा इस तरह से है कि दो रिंग्स एक साथ मिलके रहते हैं, इसलिए इनको हम प्यूरीन्स भी कहते हैं, इनका नाम रखा हुआ है। अब वो यूरिया जो है यूरिक एसिड की जब बात करते हैं तो वो लेस टॉक्सिक है, ठीक है, यूरिया से भी, और ये प्यूरीन की शक्ल में होता है। इट प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन अलाउिंग द 4 नाइट्रोजन एटम्स पर यूरिक एसिड मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बात करूं कि अमोनिया में तो एक नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल में था, यूरिया के केस में अगर आप देखते हैं NH2 इधर सी डबल बॉन्ड O और फिर NH2, तो इसका मतलब इधर भी नाइट्रोजन था और इधर भी नाइट्रोजन था, दो नाइट्रोजन पर मॉलिक्यूल थे। यहाँ पे ओवरऑल 4 होते हैं, एक इधर कहीं होता है, एक इधर कहीं होता है, फिर यहाँ कहीं होता है और इधर कहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स पर यानी कि 4 नाइट्रोजन एटम्स हो जाते हैं एक मॉलिक्यूल में। अच्छा इसके बाद आ जाता है आपके पास बेटे कि 1 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम द यूरिक एसिड जो रिमूव करने के लिए उसके लिए जस्ट आपको 1 ml ऑफ द वाटर चाहिए। ये इतना मतलब सिंपलेस्ट वे होता है, इसमें आप अगर देखें तो जितनी भी आपके छपकली होती है या जितने भी छोटी छोटी ये चीज़ें इस तरह की जो इंसेक्ट्स टाइप होते हैं मटेरियल्स जितने भी, तो उन सारों के अंदर बेसिकली आर्थ्रोपोड सारा कैटेगरी इसी में ही आ रही होती है, तो उनके अंदर यूरिक एसिड होता है बिकॉज दे आर द टेरेस्ट्रियल इन नेचर, और उसके लिए फिर बेटे इनको इतनी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है जिसकी वजह से ये ऐसा कर लेते हैं। इट हैज़ इवॉल्व 2 ग्रुप्स विद मेचर, इट हैज़ इवॉल्व 2 ग्रुप्स विद मेजर वाटर लॉस प्रॉब्लम्स। इनके पास 2 तरह के होते हैं, एक जो है वो बेटे टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और फिर नेक्स्ट होते हैं कि एग लाइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी जो अंडे देने वाले। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक्स, पहले था यूरियोटेलिक्स, अमीनोटेलिक्स, यूरियोटेलिक्स और यूरिकोटेलिक्स। बच्चे ये काफ़ी है आपके लिए या और पढ़ना है आपने? अच्छा। हाँ ये बेटा थोड़ा सा ही है, ये पढ़ लेते हैं मेरे ख्याल से, और फिर जो बाकी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, उसको बेशक बाद में देख लेंगे, लेकिन ये पढ़ लो आप। हाँ बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है। पहले तो हम इस फिगर को ही देख लेते हैं, और इस फिगर को अगर आप देखें तो आपको क्लियरली पता लगेगा बेटे कि आपके जो है ना हार्ट से जो वेसल आ रही होती है उसको हम एओर्टा बोलते हैं, ठीक है, जो ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली जो वेसल एओर्टा है ये 2 हॉल्स में डिवाइड हो जाती है, एक राइट पर चला जाता है और एक लेफ्ट पर चला जाता है। राइट लेफ्ट दोनों किडनीज के अंदर जाने के बाद वहाँ से ये कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, वो कैसे होती है वो आगे नेफ्रॉन में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो बेसिकली ब्लड की ट्रांसपोर्ट हो गई, वहाँ से ब्लड का जो वापस आना है वो थ्रू वेन्स होता है, उस बड़ी सी वेन के अंदर आके फिर ये कलेक्ट होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेनाक्यूआ। अच्छा इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जैसे आपने कभी चाय पीने से पहले आपने छानी रखी होती है ऊपर कप पे, तो उसमें जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो रुक जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आपके पास जो है ना सिस्टम कौन कर रहा होता है, आपके किडनीज कर रहे होते हैं। किडनीज डायरेक्टली थोड़ा सा इस काम को रिवर्स करते हैं, यानी जो आपके किडनी से जो यूरिनल वेस्ट होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है इन द यूरिनरी ब्लैडर, और वो नेचर ने कुछ ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि वो जब तक एक स्पेसिफाइड लिमिट तक नहीं जाता आपको उसका एहसास नहीं होता, और वो तब तक कंटिन्यूसली विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप कहें कि हर लम्हे में आपका किडनी जो है वो वर्क कर रहा है और फिल्ट्रेशन लेके बैठा हुआ है। अब वो फिल्ट्रेशन
करने की उसकी बिहाइंड एक बड़ी सी लॉजिक क्या है। सबसे बड़ी लॉजिक क्या है कि आपके ब्लड का जितना भी हिस्सा पंप होता है ना एक बीट के अंदर, हार्ट बीट के अंदर, तो उस पूरी हार्ट बीट का 20% जो है वो ब्लड इसी सिर्फ किडनीज पे प्रेशर लेके आता है। इट मींस कि किडनीज के ऊपर जब तक प्रेशर हो नहीं होगा तो वो उतने अच्छे से फिल्टरिंग नहीं कर पाएंगे, तो किडनीज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। सो स्टेप वाइज हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द किडनीज, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड ए ट्यूबुलर यूरेथ्रा। अब क्या होता है, द किडनीज लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन द 12th थोरेसिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्री। बेटा थोरेसिक वर्टिब्री वो होती हैं जो आपके थोरेसिक रीजन को कंट्रोल कर रही होती हैं, यानी ये आपके वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके राइट और लेफ्ट पे थोरेसिक रीजन जो पेट का होता है, चेस्ट रीजन नहीं है ये, थोरेसिक रीजन की बात कर रहे हैं। तो थोरेसिक रीजन में बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं स्वेलिंग, जैसे मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो अगर आप कहें कि ये वर्टिब्रल कॉलम पड़ा हुआ है ना इस तरह से, तो ये बिल्कुल यहाँ तक आके रुक जाएंगी, यानी इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल यूं कवर नहीं करेंगी, इस तरह वाली ये रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी पूरी, बल्कि ये छोटी छोटी सी रिब्स होंगी जो वहीं तक एक सिस्टम बनाएगी, उसको लंबर वर्टिब्री भी कह रहे होते हैं थोरेसिक के बाद। पहले ये थोरेसिक होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं इनके गलबन, और फिर आगे लंबर होती हैं जो 5 हड्डियाँ होती हैं, 5 मोहरे होते हैं बेसिकली, और वो 5 वर्टिब्री आपस में फ्यूज्ड होते हैं। पुराने वक्तों में ख्याल किया जाता था, या कुछ लोगों की ये राय भी है कि इंसान जो है वो कि मंकी से या गोरिल्ला से इवॉल्व हुआ है, तो किसी दौर में इंसान की दुम हुआ करती थी और इसी को अब वो लंबर वर्टिब्री भी कह रहा होता है। ईच यूरेटर इज़ अ ब्लैडर ऑर्गन, ट्यूबुलर ऑर्गन सॉरी, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब लेंथ ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, एक फुट से थोड़ा सा कम, राउंड अबाउट 30 सेंटीमीटर का एक फीट होता है, एक फीट से थोड़ा सा कम जो है वो एक यूरिनरी ब्लैडर की शेप होती है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर, उतनी लेंथ होती है। सॉरी यूरेटर कह रहा हूँ, यूरिनरी ब्लैडर नहीं, यूरेटर की बात कर रहा हूँ, जो ये यहाँ से किडनी से शुरू हो रही है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ रही है। इस पाइप को हम जो पानी वाला पाइप है जिसमें से फिल्टर्ड चीज़ें जो हैं वो आगे प्रोसीड करती हैं, तो वो उसको यूरेटर कह रहे हैं। तो बेटा ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अच्छा, इसके बाद विच बिगिंस एज द फनल शेप्ड। अब ये फनल शेप की तरह से शुरू होती है, एक चीज़ होती है रीनल पेल्विस उसको हम बोलते हैं। अगर मैं इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर आपको ये शो करवाऊँ तो आपको बड़े क्लियरली पता नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें आप, ये आपकी यूरेटर है, यूरेटर का स्ट्रक्चर आप ज़रा देखें, मैं इसको यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ आपको। यूरेटर का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ से जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है, ये यहाँ से फनल टाइप शेप बन रही है, ये इस एरिया से नीचे आ रही है, ये नज़र आ गया यहाँ पे। तो ये फनल शेप्ड एरिया है ओवरऑल, जहाँ पे सारी ट्यूब्यूल्स कलेक्ट करेंगे डाटे को, मैंने कौन से वाले डाटे को, जो फिल्टर्ड लिक्विड होगा वो। तो ये आपका यूरेटर जो है यहाँ से इमर्ज हो रहा है फनल शेप से, इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ जाता है पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम, यानी जहाँ जहाँ नीचे वर्टिब्रल कॉलम सीधा जा रहा है तो ये भी पैरेलल उसी तरह नीचे जाएगा, टू जॉइन द यूरिनरी ब्लैडर, और वहाँ नीचे जाके किस को मिल जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जाहिर बात है ये पैसेज है, ये एक चैनल सा है जो कि ओपनिंग प्रोवाइड कर रहा है इन टू द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो सारा आपका जो फिल्टर्ड मटेरियल होगा वो लिक्विड के अंदर जो आप इनटेक कर रहे होते हैं वाटर की, वो कंटिन्यूसली फिल्टर होके ड्रॉप वाइज स्टेप वाइज गिरता जाएगा किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। द यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ हॉलो डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन होता है और इट इज़ लोकेटेड विद इन द पेल्विक कैविटी। अब यूरिनरी ब्लैडर भी एक जाहिर बात है मस्कुलर, पूरी बॉडी हमारी मस्कुलर है, तो ये एक हॉलो होता है बस, ये चीज़ होता है। और उसके बाद पेल्विक कैविटी जो है उसके अंदर पेल्विक रीजन के जो हिप्स होती हैं उसके अपर एरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ द बोन होता है उसको हम रीजन को हम क्या कह रहे होते हैं, पेल्विक रीजन। तो पेल्विक कैविटी वो जो पेल्विक रीजन होता है उसकी बोन्स बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे आप कहें कि एक बिल्कुल ओपनिंग सी हालो सा स्ट्रक्चर बना रहा होता है, हाफ सा सर्कल होता है, तो उस एरिया के
अंदर जो है वो आपकी केविटी सी बन रही होती है, तो उस केविटी के अंदर अल्लाह ताला ने इसको स्टोर किया हुआ रखा हुआ है ताकि किसी एक्सटर्नल हार्म से उसको बचाया जा सके, राइट। अच्छा, इट सर्व्स एज द यूरिनरी रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या है? जहाँ पे चीज़ कोई रिजर्व होती है, स्टोर होती है। द यूरिथ्रा इज़ अ ट्यूब, ये क्या होती है? वो यूरिथ्रा ट्यूब होती है छोटी सी, ये भी एक मस्कुलर सी ट्यूब होती है जहाँ से आप एक्सक्रीट कर देते हैं उस लिक्विड को, फिल्टर्ड ये वेस्ट को आप क्या है आउट ऑफ द बॉडी जो है वो एक्सपेल कर देते हैं। तो ये ओवरऑल ये था इसका स्ट्रक्चर। अगर हम देखें बेटे तो सबसे पहले तो आप इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें तो ये लोबिया सीड की तरह ही होता है ह्यूमन स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये एक रीनल आर्टरी है तो दूसरी रीनल वेन होगी, तीसरा ये रीनल पेल्विस एक तरह से बन रहा है, ये अंदर भी थोड़ा सा होता है नीचे, ये ओवरऑल एक फनल शेप बना रहा होता है, और फिर ये यूरेटर शुरू हो जाती है जी, फिर ये हीलियम होता है, ये स्ट्रक्चर इनसाइड बेसिकली एक होता है हीलियम का स्ट्रक्चर, इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इसकी इंटीरियर स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी कैसे काम करता है, ये एक बहुत ही अहम तरीन इशू है आपके इस होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर के अंदर। इसके अंदर कहाँ कहाँ पे कैसी चेंजिंग्स आती हैं ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसका स्ट्रक्चर कैसे शुरू होता है और कैसे इसको मज़ीद हम जो है वो आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे और कैसे देखेंगे कि ये हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। फिर जिन लोगों के गुर्दे आपने देखा होगा किडनीज ख़राब हो जाते हैं, डायलिसिस करवाया जाता है, तो वो डायलिसिस बेसिकली क्या चीज़ होती है, वो किस तरह से उसको डील किया जाता है, ये भी हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है बेटे, फिर इसमें कोई इशू है तो मुझे बताएं आप। बिल्कुल ज़रूर आप पढ़िएगा बेटे, मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, अपलोड भी कर दूँगा कल कभी इंशाल्लाह कर देता हूँ बेटे। लास्ट टाइम मुझे काफ़ी नींद आई हुई थी तो अभी हम ये सारा वाइंड अप कर चुके हैं, इंशाल्लाह हम बच्चे इसको जैसे ही ये ख़त्म होगा हम इसका टेस्ट भी साथ में रख लेंगे। ठीक है,